गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, हमारा रिमेनिंग टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा फ्रॉम द इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताए थे अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के मेथड डिस्कस किए थे कि हाउ टू कंट्रोल द बर्थ, एंड आफ्टर दैट हमने MTP के बारे में भी डिस्कस किया। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी, ठीक है। अगर कोई पेरेंट्स, अगर वी कैन से कि सम कपल्स विच आर नॉट एबल टू कंसीव इवन आफ्टर द रेगुलर एंड प्रोटेक्टेड सेक्स फॉर 1 to 2 years, ठीक है। अगर कोई कंसीव ना कर पाए, दैट मीन्स कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, इनफर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, देन दैट कंडीशन इज नॉन एज इनफर्टिलिटी, ठीक है। दूसरी टर्म आती है स्टीरिलिटी। स्टीरिलिटी के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर स्टराइल, एंड स्टराइल ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट कंसीव एट एनी कॉस्ट। हम कैसे डिफाइन करेंगे इनफर्टिलिटी? इट इज द फेलियर टू कंसीव विद इन ए ईयर और मोर इवन आफ्टर रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोइटस। अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद भी अगर कंसीव नहीं हो पाता है तो दैट कंडीशन इज नोन एज इनफर्टिलिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इनफर्टिलिटी पहले बेबी के से पहले हो जाती है या उसके बाद भी होती है? सपोज करो कुछ वुमेन्स ऐसी होती हैं जिनमें एक बर्थ सक्सेसफुली हो जाता है, एंड आफ्टर दैट सी इज नॉट एबल टू कंसीव एनी अदर प्रेगनेंसी, दैट काइंड ऑफ इनफर्टिलिटी इज नोन एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। और कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें एक बार भी कंसीव नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इनफर्टिलिटी, ठीक है। इन शॉर्ट कहने की बात क्या है, जो एक बार भी कंसीव ना कर पाए, जिन्होंने अभी तक कभी कंसीव ही नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और जिनमें एक बेबी की बर्थ है वो सक्सेसफुली हो जाती है, लेकिन सेकेंड बेबी के लिए दे आर नॉट कैपेबल टू कंसीव, दैट काइंड ऑफ इनफर्टिलिटी इज नोन एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब क्या चीज़ आती है कि क्या वो जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनके कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं? इनफर्टाइल कपल्स किस वजह से होते हैं? देखो, मेल में इनफर्टिलिटी किस वजह से आएगी? या तो बेटा स्पर्म का काउंट लो हो, यानी कि स्पर्म का नंबर कम रहे, या फिर स्पर्म की मोर्टिलिटी कम हो, या मोर्टिलिटी डिक्रीजेज ऑफ द स्पर्म, या स्पर्म की मोर्टिलिटी ना हो, या फिर एल्कोहलिज्म की वजह से, किसी भी दूसरे रीजन की वजह से स्पर्म फॉर्मेशन ही ना हो, स्पर्म काउंट लो हो, या फिर स्पर्म डू नॉट फॉर्म, या स्पर्म फॉर्मेशन ही बिल्कुल भी ना हो, या एक कंडीशन आती है जिसको मैंने आपको बताया था क्रिप्टोऑर्चिडिज्म में क्या होता है कि जो टेस्टिस होते हैं दैट रिमेन्स इन द एब्डोमेन, टेस्टिस रिमेन्स इन द एब्डोमेन, और अगर एब्डोमेन में टेस्टिस रह जाते हैं तो वो एब्डोमेन का टेम्परेचर है दैट इज नॉट सूटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, या कुछ एक मेल हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, या देर आर सम जेनिटल डिसऑर्डर, जैसे कि मेल अगर XXY हो जाए, या फिर मेल में XXY हो जाए, तो इस केस में भी स्पर्म है वो नॉर्मल नहीं बनेंगे बेटा। ये डिसऑर्डर कौन सा डिसऑर्डर होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इन केस ऑफ द मेल, जिसमें एक एक्स क्रोमोजोम ज़्यादा हो जाए। इसी तरीके से इफ यू टॉक अबाउट द इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ फीमेल, तो फीमेल में इनफर्टिलिटी किस वजह से होती है? उसमें भी या तो एनओव्यूलेशन हो जाए। एनओव्यूलेशन का मतलब क्या होगा कि ओव्यूलेशन ना हो पाए, एग रिलीज ना हो पाए फीमेल की ओवरी से, या फिर ओलिगो ओव्यूलेशन,
ओलिगो ओव्यूलेशन का मतलब क्या है कि ओव्यूलेशन कम हो, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाए, या फिर ओवरी के अंदर सिस्ट बनने शुरू हो जाए, ओवेरियन सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाए, या फिर एंडोमेट्रियम वॉल है वो सूटेबल ना रहे इम्प्लांटेशन के लिए, या फिर मेल के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन LH और FSH, इन सब की किसी भी हॉर्मोन के अंदर क्या हो जाए बेटा डिफिशियंसी या एक्सेस हो जाए। तो दीज आर द सम रीजंस विच मे लीड्स टू द इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। लेकिन अब चीज़ क्या आती है कि क्या इस इनफर्टिलिटी की कोई ट्रीटमेंट है, क्या पॉसिबल है कि एक इनफर्टाइल कपल भी क्या कर पाए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाए। तो हमें मेनली वही डिस्कस करना है कि इनफर्टाइल कपल को फर्टाइल बनाने के लिए कुछ एक टेक्निक्स बनाई गई हैं जिनके ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। तो बेटा इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, इनफर्टिलिटी को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो देर आर सम टेक्निक्स विच आर हेल्पफुल फॉर द इनफर्टाइल कपल, और उन टेक्निक्स को हम नाम देते हैं ARTs। ARTs की फुल फॉर्म क्या होगी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ठीक है, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, दीज आर द ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टू सॉल्व द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। These are the group of reproductive techniques to solve infertility। देखो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि बहुत डिटेल में ये 12th में भी डिस्कस करना है, जितना NTSC क्वेश्चंस पूछ सकती है या फिर कुछ क्वेश्चंस आपके CBSE में भी आ सकते हैं उतना मैं इसके अंदर आपको बताती हूँ। तो बेटा कई सारी टेक्निक है, मैं आपको पहले सबसे पहले उनके नाम बताती हूँ। सबसे फर्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन का मतलब क्या होता है। देखो इंसिमिनेशन आपका, आपको मैंने बताया था कि मेल गैमेट्स का फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर देना इज नोन एज इंसिमिनेशन। लेकिन आर्टिफिशियली करवाएं किसमें क्या होता है कि एक हेल्दी मेल से, मान लो किसी मेल के स्पर्म अंदर स्पर्म काउंट कम है या उसके स्पर्म मोटाइल नहीं है, तो हम किसी दूसरे मेल के सीमेन को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और उस सीमेन को आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ द सम इंजेक्शंस ट्रांसफर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन। आर्टिफिशियली मतलब हम इंजेक्शंस की हेल्प से कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ द सीमेन ऑफ ए हेल्दी मेल इंटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस इज नॉन एज आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड टेक्निक जो होती है उसका नाम आता है IVF। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा IVF के बारे में। IVF को हम क्या नाम देते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे इन विट्रो वर्ड यूज हुआ है, इन विट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, आर्टिफिशियली। इसमें क्या किया जाता है, इस कंडीशन के अंदर अगर फीमेल की बॉडी सूटेबल नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, या मेल में और फीमेल में सूटेबल टाइम पे और सूटेबल गेमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, मेल से स्पर्म को एक्सट्रैक्ट करा लिया जाएगा, फीमेल से एग को निकाल लिया जाता है, ओवम को निकाल लिया जाता है, बाहर लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट ट्यूब में उन दोनों का फर्टिलाइजेशन किया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट को डिवाइड करने के लिए अलाउ किया जाता है, और जब जाइगोट 8 to 16 सेल का बन जाता है जिसको हम एम्ब्रियो नाम देते हैं, तो उसको फीमेल की यूट्रस के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे फीमेल की यूट्रस में क्या ट्रांसफर किया, फीमेल की यूट्रस में एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया गया। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। ठीक है, और IVF क्यों का है, इन विट्रो बिकॉज फर्टिलाइजेशन है दैट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। इसके अंदर क्या किया जाता है,
मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर अलाउड टू फ्यूज और अलाउड टू फर्टिलाइज आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर उनका फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन जायगोट गेट फॉर्म एंड जायगोट इज अलाउड टू डिवाइड, और जायगोट को क्या अलाउ किया जाता है, डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद इट विल कॉज फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, और जब ये डिवाइड करके एक सेल के एम्ब्रियो बन जाए तो उस एम्ब्रियो को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। समझ में आई बात, क्या हुआ यहाँ पे बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, और अगर फर्टिलाइजेशन अपने नेचुरल जगह पे हो रहा है, विद इन बॉडी हो रहा है, तो उसको हम नाम देते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। वॉट इज, तो ये टेक्निक भी हेल्पफुल होती है, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। यूजुअली ये माना जाता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में ट्विंस प्रोड्यूस होते हैं, क्यों होते हैं बेटा ट्विंस, क्योंकि इसमें एक फर्टिलाइज एग एक एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट ना करके 3-4 एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है, फिर ऊपर से प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी हो जाए, एक्सेप्ट कर ले फीमेल का यूट्रस उसे। अब जब 3-4 एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट कर दिए उनमें, बाद में जब एक बार सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है तो 1-2 एम्ब्रियो को क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और 2 एम्ब्रियो को रखा जाता है फीमेल की बॉडी में सक्सेसफुली, और वो 2 एम्ब्रियो फिर क्या करते हैं, 2 बेबी की फॉर्मेशन करते हैं जिनको हम ट्विंस बोलते हैं। सक्सेस रेट को इम्प्रूव करने के लिए 2 रखे जाते हैं, अगर बाई चांस एक को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एक क्या रहे, सेफ रहे। ओके बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट द IVF टेक्निक। इसके बाद बेटा कुछ टेक्निक आती हैं, GIFT एक आती है, ZIFT एक आता है, ICSI इनके बारे में और सुन लेंगे। GIFT की फुल फॉर्म क्या है, गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि गेमेट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। अगर किसी फीमेल में एक ओवम सक्सेसफुली नहीं बन रहा है या किसी मेल में सक्सेसफुली स्पर्म नहीं बन रहा है तो हम क्या करते हैं, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में डायरेक्टली उस स्पर्म और ओवम को ट्रांसफर कर देते हैं आर्टिफिशियली निकाल के, और वहाँ पे उनका फ्यूजन हो जाता है। तो इसके अंदर बेटा देखो, जिफ्ट में फर्टिलाइजेशन विद इन बॉडी वाई आउटसाइड द बॉडी फॉर, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है दैट टेक प्लेस विद इन द बॉडी, दैट्स वाई वी कैन से यहाँ पे कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, इन वीवो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें देखेंगे ZIFT जिफ्ट जो होती है इसका मतलब होता है बेटा जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। हमने इसके अंदर फेलोपियन ट्यूब में किसको ट्रांसफर किया है, जाइगोट को, और जाइगोट को कब ट्रांसफर करेंगे, जब मेल और फीमेल गैमेट को पहले फ्यूज करा के जाइगोट बनाए, तो यहाँ पे फ्यूजन कहाँ हुआ है, आउटसाइड द बॉडी, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। अगर आपको डिफरेंस बताने हो दोनों टेक्निक में तो आप बता सकते हैं कि इसमें फेलोपियन ट्यूब में गैमेट ट्रांसफर किए जाएंगे, इसमें जाइगोट ट्रांसफर किया जाता है, इसमें इन वीवो फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और ICSI की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसका सक्सेसफुल रेट आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन की बजाय ज़्यादा होता है। मैंने क्या बताया था कि अगर किसी फीमेल के किसी मेल का स्पर्म हेल्दी नहीं है तो हम दूसरे मेल का स्पर्म को लेके फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन। एक तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, मान लो यूट्रस में, सर्विक्स में या फिर फेलोपियन ट्यूब में हमने स्पर्म को ट्रांसप्लांट किया, और एक हम ये मान लो हमारा ओवम है, ये ओवम का न्यूक्लियस है और ये इस ओवम का उपप्लाज्म है, एक हम स्पर्म को डायरेक्टली इसके उपप्लाज्म के अंदर ट्रांसप्लांट कर दें तो दैट इज नोन एज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो बेटा इसके सक्सेस रेट तो ज़्यादा होंगे कि डायरेक्टली हमने स्पर्म को ही फीमेल के ओवम के अंदर डाल दिया कि अब वो फ्यूज कर जाए, तो इसके सक्सेसफुल रेट है आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन से ज़्यादा होते हैं। तो दीज आर द सम
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक बाय विच सम इनफर्टाइल कपल कैन बिकम फर्टाइल, क्योंकि किसी मेल के अंदर या किसी फीमेल में गैमेट्स फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है, फर्टिलाइजेशन में होती है, इम्प्लांटेशन में होती है, तो उन सब प्रॉब्लम्स को हम इन टेक्निक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं, और दैट्स व्हाई दे ऑल आर नोन एज रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जो इनफर्टिलिटी के क्योर के लिए, इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट करने के काम आती है। ठीक है बेटा, अब हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। लास्ट हमारी कुछ ऐसी डिजीज रहती हैं बेटा जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, और वो डिजीज जिनका ट्रांसमिशन सेक्सुअली होता है, ऑल ऑफ दोज आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और वी कैन से STD। ठीक है, आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे STDs। तो बेटा हम कैसे डिफाइन करते हैं इनको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लिखेंगे, द डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड बाय द सेक्सुअली और थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, द डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन का रिप्रोडक्टिव फ्लूड है वो एक हेल्दी पर्सन के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो दैट मे लीड टू सम डिजीज, उनको हम कहते हैं STDs, एंड दिस डिजीज आर ऑल्सो नोन एज वन रियल डिजीज, और वी कैन ऑल्सो से दे आर ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, हम आपको कुछ ऐसे डिजीज के बारे में बताएंगे जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, उनके कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा मैंने आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताए थे, उनमें से आपको मैंने बैरियर मेथड के बारे में बताया था। बैरियर मेथड में कुछ एक फिजिकल डिवाइस होते हैं लाइक कॉन्डोम, फेमिडोम, सर्वाइकल कैप, ये सब क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का भी काम करते हैं, एंड दीज बैरियर मेथड ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बिकॉज ये मेल और फीमेल का जो सेक्सुअल डिस्चार्ज होता है उसको कॉन्टैक्ट में नहीं आने देते, इस वजह से जो सेक्सुअली फ्लूड के थ्रू डिजीज ट्रांसमिट होती हैं उनसे भी ये अपने प्रोटेक्ट करके रखता है दिस बैरियर मेथड। तो नाउ लेट्स डिस्कस सम STDs। तो बेटा नाउ लेट्स डिस्कस सम काइंड ऑफ STDs, यहाँ पे मैंने आपको टेबल बना रखी है, आप देखेंगे एक बार। तो सबसे पहले STDs आती है एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म अगर नहीं जानते तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लें, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है बेटा, इसको हमने इम्यूनो डेफिशिएंसी क्यों नाम दिया, बिकॉज इस डिजीज के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल्स होती हैं, इम्यून सेल्स मेनली कौन सी, टी सेल्स, इसमें हमारी बॉडी की जो टी सेल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, बिकॉज इसका जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस हमारी मेनली टी सेल्स को इन्फेक्ट करता है और टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, वैसे ये मैक्रोफेज के अंदर मल्टीप्लाई करता है, मैक्रोफेज के अंदर ही मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए मैक्रोफेज को HIV फैक्ट्री भी कहते हैं, लेकिन मेनली हार्म किसको करता है, टी सेल को हार्म करता है, और अगर टी सेल खत्म हो जाएंगे हमारी बॉडी से, टी सेल कम हो जाएंगी तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डिक्रीज कर जाती है, दैट्स वाई दिस इज नॉन एज इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, ELISA टेस्ट और PCR। ELISA की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे,
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की हेल्प से, जो थोड़ी सी अमाउंट में भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है तो उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज डाली जाती हैं और वो डिटेक्ट करती हैं उस एंटीजन की प्रेजेंस को, ठीक है। सेकेंड डिजीज आती है बेटा हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस बी है ये मेनली हमारे लीवर को इन्फेक्ट करता है, इसमें क्रोनिकल इंजरी होती है हमारे लीवर को और लीवर कैंसर भी इसके अल्टीमेटली स्टेज के अंदर हो जाती है। इसके लिए जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है दैट इज हिपेटाइटिस बी वायरस, अगेन इसको भी हम एलिजा टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं इस टेक्निक इस डिजीज को। थर्ड आता है बेटा जेनाइटल वार्ट्स। जेनाइटल वार्ट्स के अंदर क्या होता है कि हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उन जेनाइटल ऑर्गन के ऊपर क्या हो जाते हैं वार्ट्स। वार्ट्स मतलब समवॉट लाइक फफोले, मतलब उस तरीके के अल्सर टाइप के स्ट्रक्चर बड़े बड़े बनने शुरू हो जाते हैं और वो हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आउटसाइड से वो वार्ट्स इनर साइड के अंदर जाने शुरू हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉज्ड बाई ए वायरस नोन एज ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस। एंटीबॉडी डिटेक्शन और डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू इसको डिटेक्ट किया जाता है। फोर्थ डिजीज आती है बेटा गोनोरिया डिजीज, ठीक है। इसका काजिंग ऑर्गेनिज्म कौन है, नाइजीरिया गोनोरिया। और ग्राम स्टेनिंग डिस्चार्ज एक टाइप का ग्राम स्टेनिंग डिस्चार्ज मेनली उस बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के काम आता है। साइफेलिस एक डिजीज है दैट इज ऑल्सो कॉज्ड बाई ए माइक्रोब ट्रिपोनिमा पैलिडम। एलिजा टेस्ट इसको डिटेक्ट किया जाता है बेटा। साइफेलिस एक ऐसी डिजीज है जो मदर से फिटस के अंदर भी ट्रांसमिट कर जाती है वाया द प्लासेंटा। तो प्रेग्नेंट वुमेन अगर साइफेलिस से अफेक्टेड है तो उसके फिटस भी उससे अफेक्टेड हो जाता है। एंड लास्ट डिजीज आती है कैंक्रोइड। कैंक्रोइड इज कॉज्ड बाय द हीमोफिलस ड्यूक्राई एंड क्लिनिकल कल्चर के थ्रू इसको डिटेक्ट किया जाता है। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ एसटीडीज। इसके अलावा भी बेटा बहुत सारे डिजीज हैं बट आपको जो जो बताई हैं आप ये और इनके काजिंग ऑर्गेनिज्म मेनली ये लर्न कर लें। मोस्ट कॉमनली आपसे इन्हीं के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस हम आपको सेंड करेंगे उनमें भी आपको कोई नई डिजीज़ के बारे में पता चलता है तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके साथ ही हमारा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर वो कम्प्लीट हो गया है। रिविजन हमारा कंटिन्यू रहेगा वाया द जूम क्लासेस एंड ऑल्सो वाया द वीडियो, जहाँ पे नेसेसरी होंगे वहाँ पे मैं आपको वीडियो सेंड कर दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।